सब्सक्राइब कीजिए इंतजार मलिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट होम कलर डिजाइन वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से रहें। मैं हूं इंतजार मलिक और इंतजार मलिक चैनल में आपका स्वागत है। ये कार्डबोर्ड है दोस्तों, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर हम निशान लगा लेंगे किसी गोल चीज़ की मदद से। गोलाई में हम निशान लगा लेंगे दोस्तों, जैसे मैं मार्कर पेन से इसके ऊपर गोलाई में निशान बना रहा हूँ, इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और इसे कार्डबोर्ड कहते हैं दोस्तों, और अलग अलग भाषाओं में इसे पेपर बॉक्स भी कहा जाता है और इसको गत्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इसे जो है कार्डबोर्ड को लेकर के इस पर निशान लगाएंगे किसी चीज़ से, और जो निशान हम लगाएंगे उस निशान के ऊपर दोस्तों पेपर कटर की मदद से हम इसको जो है गोलाई में काट लेंगे। जिस तरीके से दोस्तों मैंने ये काटा है उसी तरीके से आप भी काट सकते हैं, और बड़ी आसानी से बड़ी फ्रेश तरीके से दोस्तों ये कट जाता है। ये रॉयल प्ले डिज़ाइन है दोस्तों, ये रॉयल प्ले डिज़ाइन दोस्तों मैं पहले बना चुका हूँ इसको, और अब हम दोस्तों इस दीवार पर बनाकर दिखाएंगे आपको बबल्स। तो ये बबल्स हमें बनाने हैं दोस्तों, तो ये डबल डिज़ाइन हो जाएगा, यानी पहले जो है वो रॉयल प्ले डिज़ाइन है और अब जो बनेगा वो बबल्स डिज़ाइन है। तो दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत वॉल लगती है डबल शेड में। ये मैंने थिनर वाला स्प्रे लिया है दोस्तों, थिनर वाला स्प्रे ब्लैक कलर में, और आप इस पर ब्लैक ब्लैक इस तरीके से पूरी वॉल पर जगह जगह यानी कि कहीं कहीं टिक लगा लेंगे। इसकी कोई पैमाइश नहीं करनी है या नाप करके ये जो है टिक नहीं लगाने हैं, अंदाजे से आपको लगा लेने हैं बराबर बराबर पूरी दीवार पे, यानी कि एक दूसरे से इतना गैप हो कि बिल्कुल इकसार लगे पूरी दीवार पर, एक सा लगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी वॉल पर जो है निशान लगा लेने हैं दोस्तों। ये मैं पूरी वॉल पर निशान लगा चुका हूँ, और जो मैंने कार्डबोर्ड काटा था दोस्तों उस कार्डबोर्ड को इस तरीके से एक निशान के ऊपर रखना है हमें। ऊपर की साइड में ब्लैक स्प्रे लगाना है और नीचे की साइड में वाइट स्प्रे लगाना है, और थोड़ा सा हमें ऊपर लगा देना है ताकि ऐसा लगे कि ऊपर से किसी बल्ब की रोशनी पड़ रही है और नीचे इसकी परछाई भी आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए, नीचे की साइड में फिर हमें वाइट लगाना है और ऊपर हल्की टिक लगानी है वाइट की, और नीचे वाइट की टिक लगा देनी है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी दीवार पे उन्हीं निशानों पे दोस्तों बबल्स बनाने हैं जिन निशान को आपने पहले लगाए हैं वॉल पे। ये ब्लैक ब्लैक जो टिक लगाई है ना दोस्तों पहले, उन्हीं निशान के ऊपर रखते हुए आपको पूरी वॉल पर बबल्स बना लेने हैं। ये बबल्स वाला डिज़ाइन है दोस्तों, और ये डबल शेड में डिज़ाइन आप देख ही रहे हैं, नीचे रॉयल प्ले का डिज़ाइन है, ऊपर ये बबल्स का डिज़ाइन है। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, और बहुत ही बेहतरीन और आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये एक आपको केवल ब्लैक स्प्रे लेनी है और एक वाइट स्प्रे, दो स्प्रे से पूरी वॉल पे ये डिज़ाइन बन जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को बनाना, और आप बनाना भी सीख गए होंगे दोस्तों जितनी आसानी से मैंने आपको दिखाया है इसमें करके स्टेप बाई स्टेप, और इसी तरीके से आप कहीं भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों रॉयल प्ले डिज़ाइन में आपको ये वाला बना करके दिखाऊंगा ताकि आप पूरी वॉल पर आसानी से ये डिज़ाइन बना सकें। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये दीवार को कंप्लीट कर चुका हूँ, इस दीवार पर मैं पूरे 200 बबल्स बना चुका हूँ दोस्तों, पूरी दीवार पर 200 बबल्स बना चुका हूँ दोस्तों। ये डबल दीवार है दोस्तों, एक दीवार ये है और एक दीवार इसके सामने है जस्ट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा ये डिज़ाइन बन के आया है दोस्तों, और ये 3D डिज़ाइन है, यानी कि 3D बबल्स है दोस्तों। और ये नीचे HD क्वालिटी का डुइट पेंट में डिज़ाइन है रॉयल प्ले, और ऊपर से ये जो बबल्स बने हैं दोस्तों ये 3D हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।